नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नागपुर के बेस्ट 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके एक बहुत बढ़िया सा प्लेसमेंट पा सकते हो। देखिए भाई, नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बहुत सारे, जिनमें से आपको कुछ कॉलेजेस में 5,000 में भी एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन एट द एंड उन कॉलेजेस में ना कोई दम होगा, ना उन कॉलेजेस में कोई प्लेसमेंट आने वाली है, तो ऐसे कॉलेजेस से सावधान रहे। तो चलिए अब जानते हैं नागपुर के बेस्ट 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो 5th नंबर पे प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1990 में लोकमान्य तिलक जनकल्याण शिक्षण संस्था की ओर से, और ये कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी में आता है। तो अब बात करते हैं 4th नंबर कॉलेज की। तो 4th नंबर पे सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 2004 में नागपुर पल्लोटाइन सोसाइटी की ओर से, और हाल ही में एक ऑटोनॉमस कॉलेज बन चुका है। अब बात करते हैं 3rd नंबर कॉलेज की। तो 3rd नंबर पे जीएस राजोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1996 में अंकुश शिक्षण संस्था की ओर से, जिसके प्रेसिडेंट है सुनील रायसोनी, और ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। अब बात करते हैं 2nd नंबर के कॉलेज की। तो 2nd नंबर पे यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी YCC। इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1984 में मेगे ग्रुप द्वारा, और कहा जाता है कि सेंट्रल इंडिया का पहला कॉलेज है जिसे ऑटोनॉमस का स्टेटस मिला था, और ये नागपुर का बहुत ही बढ़िया एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के 1st कॉलेज की। तो 1st नंबर पे श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। दोस्तों इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1984 में श्री रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति द्वारा, और ये नागपुर का बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो दोस्तों ये तो थे नागपुर के बेस्ट 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिनमें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं नागपुर में मौजूद गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिनमें 1st नंबर पे आता है LIT यानी लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और 2nd नंबर पे आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। दोस्तों दोनों भी कॉलेजेस का स्टेटस बहुत ही अच्छा है, इनमें आपको जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोनों भी कॉलेजेस गवर्नमेंट है, यानी कम फीस में अच्छा एजुकेशन आपको देखने मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपका फ्रेंड या आपका कोई कज़न इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले उस कॉलेज में विजिट ज़रूर करें, उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर जानें, कैंपस ज़रूर देखें। अगर आप नागपुर के बाहर से, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ ज़रूर पूछ लें, क्योंकि भाई आपके लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट साल की बात है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।